not give your class 12 board exams without watching this video. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. In case you're new here, I'm a final year student at the Shriram College of Commerce, Delhi University. But today, I'm not here as a college student, but rather, I'm just here to guide and motivate all the class 12 students. मुझे बहुत comments भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक video बना लेती हूँ तुमसे बात करते हुए. Let's go through how you should prepare for your board exams and what your mindset should be like. Right now, I hope कि तुम्हारी CUET and board exams की तैयारी अच्छे से चल रही होगी. Board exams तो कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट राइट इनटू इट. अब सबसे पहले बात करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स. नाउ आई नो काफी लोग सोच रहे होंगे कि बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सीयूईटी से एडमिशन होने वाला है, तो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. बट डू नॉट थिंक लाइक दैट गाइस. क्लास 12 में भी मार्क्स आना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि बाद में इफ यू गाइस गो फॉर एन एमबीए एटसेट्रा, इसके मार्क्स कंसिडर होते हैं. एंड प्लस एज यू नो सीयूईटी का तो सिलेबस सिमिलर है टू योर बोर्ड एग्जाम्स, सो प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स इज अ ग्रेट आइडिया. बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम्हारी इतनी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी. ट्रस्ट मी, कोई भी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है. ऑफ कोर्स अगर तुम सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो मैंने काफी वीडियोस ऑलरेडी बनाई है अपने चैनल पे, यू कैन चेक दैट आउट, ताकि तुम आराम से सीयूईटी और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी साथ साथ कर सकते हो. बट ऑल्सो रिमेम्बर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम इज जस्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम्स दैट यू आर गोइंग टू गिव थ्रू आउट योर लाइफ. अभी बहुत सारे दूसरे टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स भी तुम्हें देने होंगे, सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल milestone. Now next let's talk about goal setting. अब जब तुम class 12 board exams दोगे, I'm sure तुम्हारे मन में कुछ तो goal होगा कि हाँ यार हर subject में 90 plus आ जाए, 95 plus आ जाए, कुछ लोगों को तो 99 ही चाहिए होगा या 100 ही चाहिए होगा. तो तुम्हारी तैयारी भी उसी हिसाब से अच्छे से होनी चाहिए. एंड जब तुम्हारा एक गोल फिक्स होता है ना, तुम्हें लगता है कि यार मुझे तो 100 लाने ही लाने हैं, तुम्हें अपने आप से मोटिवेशन भी मिलेगी टू वर्क टूवर्ड्स दैट. एंड वो वाला गोल अचीव करने के लिए तुम्हें बीच के छोटे छोटे गोल्स भी सेटअप करने होंगे, ताकि तुम अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओ. जैसे कोई नया टॉपिक पढ़ना है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कोई सिलेबस खत्म करना है, रिविजन खत्म करना है. और जब एक गोल होता है ना माइंड में, तो तुम अपने आप फोकस्ड रहते हो और एक ट्रैक पे जाते हो, डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होंगे. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग टू अचीव योर गोल्स इज टू हैव अ स्टडी रूटीन और अ स्टडी शेड्यूल इन प्लेस. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू फॉलो प्रॉपर स्टडी रूटीन और स्टडी शेड्यूल. तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट के लिए दिन के कुछ कुछ घंटे एलोकेटेड होने चाहिए. तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सब्जेक्ट का क्या टॉपिक करना है तुम्हें कवर. एंड इससे जब तुम थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ाई करोगे, तुम्हारा इतना सारा सिलेबस कवर हो जाएगा एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज तुम्हें इतनी सारी पढ़ाई करनी है, दैट डज नॉट मीन कि तुम छोटे छोटे ब्रेक्स ना लो बीच में. टेक ब्रेक्स, जस्ट गो फॉर अ वॉक, मे बी वर्कआउट, प्ले अ स्पोर्ट, लिसन टू म्यूजिक, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है. सो इससे तुम बर्नआउट भी अवॉइड कर पाओगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे. जस्ट ऑलवेज रिमेम्बर दैट कंसिस्टेंसी इज द की. एज लॉन्ग एज यू गाइज विल बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन, इन योर प्रैक्टिस, सब कुछ अच्छा ही जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में भी. अब बात करते हैं कुछ स्टडी टेक्निक्स की. आई एम गोना शेयर माय टॉप 3 स्टडी टेक्निक्स. सबसे पहले एक्टिवली एंगेज विद योर मटेरियल. अगर तुम अभी भी उसी स्टेज पे हो कि तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को बुक से पढ़ रहे हो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, तो मेक श्योर अगर तुम बुक से पढ़ रहे हो, यू मे बी अंडरलाइनिंग इट, यू मे बी स्पीकिंग इट आउट लाउड. इससे तुम कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे. अगर तुम मन में पढ़ते रहोगे, यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू विल फॉरगेट व्हाट यू आर स्टडिंग. एंड दूसरी टेक्निक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज योर एक्टिव रिकॉल टेक्निक. एंड जस्ट टू सिंप्लीफाई दैट, आई एम ट्राइंग टू से कि तुम्हें बस प्रैक्टिस करने हैं मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक्स, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं. क्योंकि तुम जितनी ज्यादा बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे, स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, उतना ही बेटर होगा. अब बोर्ड में तुम्हें पूरा पेपर उसी लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट करने होते हैं. सो अच्छे से टाइम की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आंसर्स लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए. एंड आंसर्स जब तुम लिखते हो, तुम्हें बुलेट पॉइंट्स में लिखने चाहिए, ताकि तुम्हें मार्क्स इजीली मिल जाए. इन सब चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए. अगर तुम्हें लिखने की आदत होगी तो भी इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. एंड प्लस एज यू नो क्वेश्चंस तो हमेशा पास्ट ईयर्स के ही आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी. तुम जितना ज्यादा पास्ट ईयर क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे विद इन अ टाइम लिमिट, उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड टेक्निक इज स्पेस रेपिटेशन. इसका ये मतलब है कि तुम्हें हर कुछ दिनों में सेम चीजों को बार बार रिवाइज करना चाहिए. अब ऑब्वियसली तुम बोर्ड एग्जाम्स के लास्ट स्टेज ऑफ प्रेपरेशन पे होगे, तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे या जो भी तुम्हारे वीक एरियाज है तुम उनको अच्छे से पढ़ रहे होगे. बट वंस ऑल योर सिलेबस इज सॉर्टेड, यू हैव टू एंश्योर कि तुम बार बार सेम चीजों को रिवाइज कर रहे हो. बिकॉज अगेन बोर्ड एग्जाम में पास्ट ईयर के क्वेश्चन
क्वेश्चंस ही आते हैं एंड इसलिए तुम जितनी ज्यादा बार वो सेम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, बोल के प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी मेमोरी में एकदम स्टोर हो जाएगा एंड बोर्ड एग्जाम्स वाले दिन तुम आराम से आंसर्स लिख पाओगे। अगर तुम इन तीनों टेक्निक्स को अच्छे से यूज करोगे विद योर स्टडी शेड्यूल, ट्रस्ट मी नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 100 इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अब पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ एंड वेलबींग को मत भूल जाना। यस आई नो इट गेट्स रियली स्ट्रेसफुल, तुम्हें लग रहा है मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैंने रिवाइज नहीं करा है, एग्जाम बहुत मुश्किल आएगा, बट यू हैव टू स्टे काम ड्यूरिंग दिस टाइम एंड यू हैव टू इंश्योर कि तुम अच्छे से सो भी रहे हो, अच्छे से खाना भी खा रहे हो, यू डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी। इससे तुम अपने आप एनर्जाइज रहोगे, तुम्हारा मन भी करेगा पढ़ने का एंड तुम अपना स्टडी शेड्यूल या रूटीन भी फॉलो कर पाओगे। एग्जाम टाइम पे अपनी हेल्थ को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बीमार पड़ गए तो तैयारी कौन करेगा बोर्ड एग्जाम्स की, इसलिए मेक श्योर दैट यू हैव अ बैलेंस्ड रूटीन इन प्लेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेइंग मोटिवेटेड। आई थिंक मोस्ट लोग यही पूछ रहे थे कि हमारा मन ही नहीं करता पढ़ने का, हम फोकस नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई पे, बट यार दिस इज द टाइम कि तुम्हें अपनी स्पिरिट्स को हाई रखना है। यू हैव टू बी मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड। जो भी तुम्हारी छोटी छोटी विक्ट्रीज हैं, जैसे तुम्हारे किसी सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट में मे बी 90 प्लस आ गए या तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से समझ आ गए, देन यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। तुमने अगर 50% सिलेबस 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसमें भी तुम्हें खुश होना चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट मी ऑल ऑफ द एफर्ट यू आर पुटिंग इन राइट नाउ इज गोइंग टू बी सो वर्थ इट इन द एंड। तो कभी भी ये मत सोचो यार तो बहुत मुश्किल है, क्या बेकार की पढ़ाई कर रही हूँ मैं, ये क्या चल रहा है, बस अपना काम करते जाओ, रिजल्ट तो अपने आप रिजल्ट वाले दिन अच्छा ही आएगा। तुम अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तुम स्ट्रेस लोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन ही नहीं हो पाएगी। इसलिए डू नॉट थिंक टू मच अबाउट क्या हो रहा है, बस पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ एंड सब कुछ अच्छा होगा। अब बात करते एग्जाम के दिन या एग्जाम के आसपास वाले दिनों में तुम्हें क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के एग्जाम तो फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो एग्जाम के एक दिन पहले एकदम रिलैक्स्ड और काम होना चाहिए। डोंट ट्राई टू ओवर रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, नए कॉन्सेप्ट्स मत सीखने लग जाना। अगर तुम्हें लग रहा है मैं चीजें भूल रही हूँ, डोंट वरी, ऐसा ही लगता है सबको एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के एक घंटे पहले भी ऐसा ही लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, बट ट्रस्ट में अगर तुमने सही से पढ़ा तो तुम्हारे दिमाग में सब कुछ होगा। ऑफकोर्स तुम थोड़ा बहुत रिविजन कर सकते हो, तुमने कोई नोट्स बनाए हैं या कोई नोट्स तुम्हारे पास है तुम उनको क्विकली गो थ्रू कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रेपरेशन यू हैव डन और बस फिर ये सब करने के बाद अपने सारे एग्जाम एसेंशियल्स को एक जगह रख लो और एक अच्छी नींद ले लेना एग्जाम के एक दिन पहले। अब अगले दिन बस जाओगे अच्छे से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना, जल्दबाजी में मत अटेम्प्ट करके आना अपना एग्जाम, अच्छे से टाइम मैनेज करना, डू द क्वेश्चंस यू नो फर्स्ट ताकि एटलीस्ट उतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट, दैट इज लिटरली द की टू सक्सेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑलवेज वॉन्ट यू गाइस टू रिमेम्बर कि यार जो भी रिजल्ट होगा जैसा भी होगा इट्स ओके, तुमने जितनी प्रेपरेशन करी है, तुमने जितनी मेहनत करी है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा रिजल्ट वाले दिन। एंड व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि तुमने कितना हार्डवर्क, एफर्ट, डेडिकेशन और अपनी कितनी स्किल्स को अच्छे से यूज करा है और कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। जब तुम कॉलेज में आओगे तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग एंड देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड दैट एज वेल। सो अगेन रिजल्ट का मत सोचो, सिर्फ अपने प्रेपरेशन पे ध्यान दो। एंड आई नो ऑल ऑफ यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, योर पोटेंशियल इज लिमिटलेस एंड यू विल अचीव एग्जैक्टली व्हाट ऑल ऑफ यू वांट एंड दिस इज just the beginning of what an amazing journey you will have ahead. Tumhari worth bilkul bhi wo jo marks ek paper pe likh ke aaye hain usse nahi define hoti hai. It's you, your skills, your potentials, your capabilities that define who you are. So keep learning and keep growing and all the very best to all of you guys jo board exams denge, jo CUET denge ya koi bhi aur exam jo tum dene wale ho. You're not in this journey alone. We are all in it together. So yeah, that's all I have today for you guys. So if you made it till here, comment these emojis and thank you so much for watching this video. I really hope you guys found it helpful. And if you did, then don't forget to hit the like button. Also subscribe to my channel. Share this video with your other class 12 friends. Follow me on Instagram. And until next time, bye.